हरि ओम नारायण हरि। आप सब लोग स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, इसी कामना से, इसी मंतव्य से, इसी मंत्र से रोज मैं अपना वीडियो शुरू करती हूँ। और आप सब लोगों का मेरे YouTube चैनल मैत्री टैरोट रीडिंग में सकारात्मक रूप से स्वागत के साथ आपकी स्वस्थता, व्यस्तता और मस्तता की कामना भी करती हूँ। तो चलिए देखते हैं आज क्या आशीर्वाद देती हैं माँ हमें। हम तो सब माँ के बच्चे हैं ना। चलिए देखते हैं। बहुत पॉजिटिव। कार्ड्स मेरे सामने आ गए हैं और कार्ड जो आज रीडिंग जो है, आप ये मान के चलिए कि 90% रीडिंग पॉजिटिव है, 10% थोड़ी सी नेगेटिव होगी। तो पहला कार्ड ये बता रहा है आपकी डेस्टिनी को, आपके भाग्य को, कि आपका भाग्य वर्तमान में किधर और क्या रुख लेने वाला है। हम लेआउट देते हैं, बहुत सारे व्यूअर्स होते हैं तो जिसके साथ जितना रेजोनेट करे। और देखिए डेस्टिनी भी तभी कुछ देती है जब हम पुरुषार्थ करते हैं। बिना पुरुषार्थ के डेस्टिनी कुछ नहीं देती है। आप सोचें कि आप सो रहे हैं, बैठ रहे हैं और सोए सोए और बैठे बैठे आपकी डेस्टिनी बदल जाए, ऐसा होता नहीं है, ऐसा होता नहीं है। उसके लिए कुछ सद्प्रयास हमें करने होते हैं। बिना सद्प्रयासों के बात बनती नहीं। जब मैं अब सद्प्रयास कह रही हूँ तो उसका मतलब पॉजिटिव वे में काम करने का तरीका। तो आप अगर अपनी डेस्टिनी को और अधिक शार्प करना चाहते हैं, और अधिक उसको थोड़ा सा शार्पनेस देना चाहते हैं, बढ़िया करना चाहते हैं, तो आप क्या करें, प्रभु से प्रार्थना करें, अपने गुरुदेव के आगे सर नवाएं। आप मेडिटेशन, मैनिफेस्टेशन, अफर्मेशंस, जो आपको इजी लगे, जो आपके लिए इजी गोइंग हो, वो आप करें। वो आपके लिए आपकी डेस्टिनी को धार देने में आपकी सहायता करेगा, उसको धार अच्छे से देगा। इसके बाद अगला कार्ड ये कह रहा है, देखिए एक बात बहुत अच्छी से जानिए आप, कि जब हमारा कुछ अच्छा होने वाला होता है या अच्छा होने की हमें उम्मीद जाग जाती है, आशा जाग जाती है, तो फिर हमें कुछ इनसिक्योरिटी भी होने लगती है। देखिए डेस्टिनी इनसिक्योरिटी किसकी, आपने जो चीज मैनिफेस्ट की, मेडिटेट की, अफर्मेशन की, मन्नत मानी, प्रार्थना की, कुछ भी कहो, तो वो बात जब आपको ऐसा आभास मिलना शुरू हो जाता है कि शायद मेरा अब ये काम बन जाएगा, उसमें देखिए ये कार्ड मैं आपको दिखाऊं, ये कार्ड देखिए, यहां उनका दिल धड़क रहा है और परेशान है। देखिए चेहरा कितनी परेशानी में लग रहे हैं। ये परेशानी किस चीज की है, ये परेशानी इस चीज की है कि जो मैंने प्रयास किया है, जो मैं चाहता हूं या चाहती हूं,
वो बात मेरी बन जाए। वो आप प्रार्थना कर रहे हैं ऐसा ना हो कि वो बात बनते बनते रह जाए, ऐसा ना हो बात बन जाए। ये इनसिक्योरिटी अब आपके बात बनने की है। लेकिन एक चीज मैं जानती भी हूँ और मानती भी हूँ, जब कोई चीज पॉजिटिव वे में जाने लगती है तो थोड़े से प्रार्थना से, थोड़े से प्रेयर से वो बात हमारी बन जाती है। हाँ, लेकिन उसमें दिल जो है ना डरता रहता है। जैसे क्या होता है कि जैसे हम एग्जाम दे चुके, अब जब रिजल्ट का समय आता है तो रात को नींद नहीं आती है। जब जिस दिन रिजल्ट आना होता है पता नहीं क्या होगा, दिल धड़कता रहता है। वो जो इनसिक्योरिटी, वो जो एक डर, वो जो एक फियर होता है, वैसा फियर इस समय आपका कार्ड्स शो कर रहे हैं। घबराइए नहीं, चिंता करने से कुछ नहीं होगा, प्रभु का चिंतन करने से होगा। आप प्रभु का चिंतन करें, प्रभु का स्मरण करें, अपने गुरु प्रदत्त गुरु मंत्र का जाप करें, या गुरु ने जो भी आपको ध्यान की, सिमरन की, उसकी जो विधि दे रखी है उसका पालन करें, उसको फॉलो करें, ताकि आप इस ओहो पोह की स्थिति से बचे रहें, जितना हो सके उतना प्रभु के शरण में रहें, गुरु की शरण में रहें। अगला कार्ड ये कह रहा है, कुछ समय की रुकावट के बाद, या दूसरे शब्दों में कहूं कि कुछ समय के ठहराव के बाद, क्योंकि बीच में आपने जो भी आप काम कर रहे होंगे शायद आपने उसको रोका है। रोकने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, अलग अलग व्यूअर्स के अलग अलग कारण हो सकते हैं। फाइनेंशियल हो सकता है, या आप उस प्रोजेक्ट को थोड़ी और डिले करके करना चाहते हैं वो हो सकता है, या आप जो कुछ करना चाह रहे हैं उस प्लानिंग में कुछ फेरबदल करना चाह रहे हो, या किसी और के हाथ में आगे की प्लानिंग है तो उनके कंसेंट का आप इंतज़ार कर रहे हो। तो मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि जितने व्यूअर्स हैं उनकी सबकी अलग अलग परिस्थिति होगी, और जिसकी जो परिस्थिति है वो उसको उसी हिसाब से ले। मेरा कहने का तात्पर्य केवल इतना है। तो आप जो करना चाह रहे हैं वो आप बड़े उससे अच्छी क्रिएशन करेंगे, बहुत अच्छी क्रिएशन करेंगे जो कि आपके लिए बढ़िया रहने वाली है। और अभी जो आपने थोड़ा काम रोक करके दोबारा रीस्टार्ट किया है, काम वही है, कोई न्यू बिगनिंग नहीं है, काम आप पुराने वाला ही कर रहे हैं, लेकिन हाँ कुछ समय आपने उसको रोक दिया था तो आप उसको दोबारा शुरू कर रहे हैं, उसी काम को रीस्टार्ट कर रहे हैं, जहाँ रोका था उसके आगे काम करने जा रहे हैं। तो उससे आपका एक्सपेंशन होगा, आपका काम दिन दुगनी रात चौगनी उन्नति करेगा, प्रगति करेगा। आप क्योंकि जब आप काम में जुटते हैं तो आप पूरी तरह से काम के ही होते हैं, आपको देख लो या काम देख लो बात एक ही होती है, आप में और वर्क में कोई फर्क नहीं रह जाता है, इसके बाद अगला कार्ड जो है ना, अगर मैं सिर्फ उसको बोल दूँ और आगे की रीडिंग छोड़ दूँ तो आज की रीडिंग की इतिश्री हो सकती है। अगला कार्ड है मिरेकल, ये कार्ड इतनी अधिक पॉजिटिविटी और इतना अधिक प्रकाश लिए हुए है कि आपको किसी भी तरह का कोई चिंता, कोई इनसिक्योरिटी या कोई आपको चिंता की बात नहीं है। डेस्टिनी के नीचे ही मिरेकल का कार्ड आया है, ये डेस्टिनी है और ये मिरेकल है, जिसका मतलब सीधे सीधे ये है कि आपकी डेस्टिनी आपको इतना अधिक देने वाली है कि आप भी चमत्कृत हो जाएंगे कि ऐसा तो मैंने सोचा ही नहीं था, ऐसा चमत्कार हो गया मेरी ज़िंदगी में, ऐसा भी हो सकता है।
आप इस तरह की बात आपके अंदर आएगी, जो यहाँ पर आपके अंदर इनसिक्योरिटी है वो ये कार्ड इस चीज को खत्म कर रहा है, खत्म कर रहा है। आपके अंदर अब कोई इनसिक्योरिटी ना हो और आपके साथ चमत्कार होने वाला है, मिरेकल होने वाला है। और मिरेकल होने के बाद जो आपका रिन्यूअल होगा, आप जो एक नए क्लेवर में लोगों के सामने आएंगे, चमत्कार होने के बाद आप जो एक नए क्लेवर में लोगों के सामने आएंगे, वही आपका आगे का फ्यूचर तय करेगा। क्योंकि आप मिरेकल के बाद आप एक नए क्लेवर में नई ऊर्जा के साथ, नई एनर्जी के साथ, नई वाइब्रेशंस के साथ और नए जोश के साथ, नई उमंग के साथ सबके सामने आने वाले हैं। यहाँ पर मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ, मेरा दूसरा YouTube चैनल है स्पिरिचुअल वॉक विद मैत्री, उसको भी अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और बेल आइकन जरूर क्लिक कर दीजिए ताकि वीडियो अपलोड करते ही आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। अब आगे, अब आगे जब आपको अपने काम करने हैं, अपने काम बनाने हैं, तो आपको क्या करना है? आपको करना ये है कि उसमें आपको साम दाम दंड भेद, साम दाम दंड भेद हर तरीके को अपना करके अपने काम को आगे बढ़ाना होगा। अगर आप ये सोच रहे हैं कि जिस ढर्रे पे आप कर रहे हैं काम वैसा ही करते रहें, तो भाई अब सामने लोग थोड़ा बदल चुके हैं, उनके साथ जैसा कोई व्यक्ति है उसके साथ आपको वैसा ही व्यवहार करना पड़ेगा, तभी बात बनेगी। अदरवाइज काम डिले होता चला जाएगा। अगर आप किसी भी प्रकार के वर्क डिले से बचना चाहते हैं तो आपको साम दाम दंड भेद सब अपनाना पड़ेगा। और आज की अगर रीडिंग आपको अच्छी लगी हो तो आप मेरे YouTube चैनल मैत्री टैरोट रीडिंग को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और बेल आइकन जरूर क्लिक कर दीजिए ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और जितनी रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करे उतनी लीजिएगा, बाकी को छोड़ दीजिएगा। हरि ओम नारायण हरि।